निंजा टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। डिंग डिंग। देखो ये फोटो कैसी है, इसे मैंने खुद बनाया है। फोटो तो तुमने अच्छी बनाई है। मेरी फोटो। परछाई बनकर उड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब इसे ठीक से पकड़ कर रखना। शुक्रिया हथौड़ी, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम निंजा टेक्निक से कुछ भी कर सकते हो। मुझे ऐसी टेक्निक सिखाओ ना जिसे जल्दी से सीखा जा सकता हो। तुम फिर से शुरू हो गए केनिची। बात यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह कमाल का बनना चाहता हूँ हथौड़ी। निंजा टेक्निक सीखने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसी टेक्निक नहीं जिसे तुरंत सीखा जा सके, जैसे 2 मिनट में नूडल बन जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है केनिची। उन्हें सीखने के लिए मेहनत और प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाकर कोई निंजा टेक्निक सीख पाता है। उनकी इज्जत करो, वो तुम्हारे कितने काम आती हैं। तुम मुझे टेक्निक सिखाना ही नहीं चाहते हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डिंग डिंग। हथौड़ी खुद को समझता क्या है, अब मैं इसके साथ खेलूंगा भी नहीं। ओए केनिची, कहाँ चल दिए, जरा यहाँ भी तो देखो, तुम्हारे मूड के यूँ 12:30 क्यों बजे। हथौड़ी से मेरी लड़ाई हो गई है, वो मुझे ऐसी टेक्निक नहीं सिखा रहा जिसे जल्दी सीखा जा सके। फंस गया। तुम सचमुच में निंजा टेक्निक सीखना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे वो टेक्निक सीखनी है जिसे सीखने में ज्यादा समय ना लगे। ओए कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम सच में मुझे सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, निंजा टेक्निक बहुत ही आसान है, उसे तुम जैसे लल्लू लोग भी कर सकते हैं। मैं उसे सीखने के लिए कुछ भी करूंगा। वैसे देखा जाए तो ये किसी को सिखाई नहीं जाती, लेकिन तुम मेरे अपने हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दक्षिणा लाओ। फंस गया। हाँ तो अब मैं तुम्हारी निंजा टेक्निक की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ, जरा अपना ये बैग नीचे रख दो तो। अच्छा ठीक है। तुम बंदर की तरह मेरी पीठ पर क्यों चढ़ गए हो अमारा? अब तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर पार्क का एक चक्कर लगाओगे, चलो। क्या? निंजा टेक्निक सीखने के लिए तुम्हारे शरीर को मजबूत करना जरूरी है, शरीर में जान तो टेक्निक की शान। लगता है तुम निंजा टेक्निक के मास्टर जल्दी ही बन जाओगे। अच्छा क्या बात है। बहुत बढ़िया बॉस। इतने में थक गए, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अब मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ, नदी के अंदर कूदो और पूरे 1 मिनट तक अपनी सांस को रोके रखो। पानी के अंदर जाना पड़ेगा? नहीं तो क्या नदी को बाहर बुलाओगे बेवकूफ? पानी तो इस समय बहुत ठंडा होगा। ट्रेनिंग में ठंडा और गर्म का कोई मतलब नहीं होता। मालूम है, ठीक है जाता हूँ। मन करता है बॉस के दिमाग की फोटो कॉपी अपने पास रख लूँ। मैं ये कर सकता हूँ। बाप रे, बहुत ठंडा पानी है। अब आएगा मजा। ठंडा ठंडा पानी। बाबा रे, मेरे कच्छे में मछली घुस गई है। अच्छा, क्या बहुत क्या अच्छा होता है, देखते जा। डिंग डिंग, केनिची कहाँ है? वो तो अभी तक स्कूल से आया ही नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं अभी तक नहीं आया, अब तो नाश्ते का समय भी हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है, पता नहीं इस समय केनिची कहाँ पर होगा। शाबाश केनिची, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त निंजा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, समझे? सचमुच? असल में ये गायब होने की टेक्निक है, सुनो तुम्हें क्या करना है। क्या करना है? इस पट्टी को अपने सर पर रखो और अपनी सांस को रोक लो, समझे? इस तरह से? बिल्कुल, जब तुम पूरी लगन के साथ इसे करोगे तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। सच कह रहे हो? ओए कहाँ गया केनिची, कहाँ है केनिची? मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा केनिची। अब तुम सांस लो और सामने आ जाओ, चलो जल्दी करो। कैसे किया तुमने? तुमने तो कमाल कर दिया केनिची। चलो अब इसके बाद तुम्हें उड़ने वाली कोगा निंजा टेक्निक सिखाऊंगा मैं। अगर तुम इसे अपने हाथ में लेकर ऐसे घुमाते रहोगे तो तुम उड़ने लगोगे। मैं आसमान में उड़ने लगूंगा? आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक। उड़ा 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 उड़ा। अरे वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। वाह वाह वाह। भाई वाह, क्या बात है, तुम तो कोगा निंजा टेक्निक सच में बहुत जल्दी सीख रहे हो। निंजा टेक्निक्स तो सच में बहुत आसान होती है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि केनिची आखिर चला कहाँ गया। डिंग डिंग। उसे नीचे रखो, नीचे। क्या
केनिची, तुम्हारा नाश्ता तो इस प्लेट में रखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? तुम मुझे अपने सामने साफ खड़े दिखाई दे रहे हो। पर मैंने तो मिस्टर इंडिया बनने वाली निंजा टेक्निक से खुद को गायब किया था, फिर मैं कैसे दिख सकता हूँ? तुम्हें अंदर आते हुए भी देखा। हाँ, मैंने भी देखा था। बड़ी अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। अब तुम दूसरा खा लो। अब देखो मेरी आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, बचाओ! डिंग 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 डिंग। केनिची, ऐसा करने से तुम्हें चोट भी लग सकती थी। पर आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक से कोई गिर ही नहीं सकता है हथौड़ी। मैंने तुमसे कहा था ना कि निंजा टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। मुझे ये निंजा टेक्निक अमारा ने सिखाई है। उसने निंजा टेक्निक नहीं सिखाई है बल्कि बुद्धू बनाया है। अच्छा तो ये बात है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। निंजा टेक्निक सीखने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था पर तुम मानते नहीं हो। मुझे मालूम है हथौड़ी। देख लेना, मैं भी जल्दी तुम्हारी निंजा टेक्निक्स का मास्टर बनकर दिखा दूंगा और फिर तुम लोग कहोगे क्या बात है, कमाल कर दिया केनिची। हैया, हुया, हुआ, हैया। कुछ लोगों को समझाने का मतलब ना समझी होता है, समझ के भी जो ना समझे वो ना समझ है। डिंग डिंग। मॉर्निंग स्टार की फोटो खींचना आसान नहीं है। डिंग डिंग। वाह, मॉर्निंग स्टार की तुमने कितनी खूबसूरत फोटो खींची है हमारा। तुम मेरा यूमी को हमेशा तारीफ करती रहती हो। नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें मॉर्निंग स्टार की फोटो खींचने के लिए बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा होगा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी तो दिखाओ। देखो मॉर्निंग स्टार की कितनी अच्छी फोटो है। पर ये फोटो तो धुंधली है। क्या, किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते, इसे खींचने के लिए हमारा कितना जल्दी उठा था। पर धुंधली फोटो को धुंधली ही कहूँगा ना। केनिची, इसका मतलब है कि तुम इससे अच्छी फोटो खींच सकते हो, है ना? ठीक है, मैं कल ही इससे अच्छी फोटो खींच कर लाता हूँ। देखते हैं तुम क्या गुल खिलाते हो। पता है ना, मॉर्निंग स्टार की फोटो के लिए तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अब तो मैं फोटो लेकर ही आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं इसे। मैंने यूमिको से कहा है कि मैं मॉर्निंग स्टार की सबसे अच्छी फोटो खींच कर लाऊंगा। तो इसका मतलब अब मुझे ही इतनी सुबह उठाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले की बात याद है ना तुम्हें केनिची? केनिची उठ जाओ, सुबह हो गई है। केनिची सोने दो ना, हट जाओ। क्यों, कुछ याद आया तुम्हें? असल में उस रात मैं देर से सोया था हथौड़ी। जल्दी सो जाओगे तो उठ जाओगे। ठीक है। तो ठीक है, मैं इसी समय सोने जा रहा हूँ। हथौड़ी प्लीज मुझे टाइम पर उठा देना। बल्ले भाई, बल्ले भाई, मुझे भी कल सुबह मॉर्निंग स्टार देखना है। वो चॉकलेट रोल से भी अच्छा होता है। डिंग डिंग। अब अच्छा यही होगा कि मैं इसे टाइम पर उठा दूं और साथ में शिंजो और शिशिमानु को भी। नींद आ रही है। और क्यों के बच्चे, तुझे अपना नाश्ता प्यारा नहीं है क्या? इस चपड़ गंजू केनिची ने यूमिको के सामने मेरा मजाक बना के रखा है। चलो केनिची उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठो। हाँ सर, मुझे पता है, दो और दो आजकल 4 होते हैं। क्या बड़बड़ा रहे हो, तुमने यूमिको से कुछ प्रॉमिस किया है ना? अब उठ जाओ। बहुत अच्छी दोस्त है। पता नहीं ये ऐसे प्रॉमिसेस करता ही क्यों है जब ये उन्हें पूरा नहीं कर सकता। शिंजो, शिशिमानु उठ जाओ। शिशिमानु उठो, मॉर्निंग स्टार देखना। वो क्या है, मैं चॉकलेट रोल से भी काम चला लूंगा। शिशिमानु, मैंने पहले ही कहा था मैं चॉकलेट रोल खाकर ही खुश हूँ। अब मॉर्निंग स्टार निकलने ही वाला है। केनिची, मॉर्निंग स्टार आ गया है, जल्दी से फोटो खींचो। डिंग डिंग डिंग। अब तो मुझे निंजा की कठपुतली वाली टेक्निक का सहारा लेना ही पड़ेगा। डिंग डिंग डिंग। अब देखो मेरा कमाल। धीरे धीरे आगे चलो केनिची। डिंग डिंग। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। इस केनिची के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, फोटो खींचेगा। हाँ बॉस, आप करेंगे क्या? हमेशा की तरह उसका काम बिगाड़ूंगा। अभी इसकी फोटोग्राफी की फोटो और ग्राफ। चलो बॉस, चलो।
अरे ये हथौड़ी का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? शिंजो और शिशिमानो भी है। तुम बस देखते जाओ कैसे मैं इस हथौड़ी का ये कठपुतली का नाइट शो खत्म करता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। डिंग डिंग डिंग। ले के संभाल के निकाल हथौड़ी। डिंग डिंग। ये लो। इतना गिरा हुआ है, और कितना नीचे मतलब मैं निंजा स्टार लेने जा रहा हूँ। चल जा जल्दी लेकर आ, मुझे इस हथौड़ी को जल्दी से रोकना है वरना खो चुके निजी फोटो लेने में कामयाब हो जाएगा। डिंग डिंग। हाँ ये तो अभी तक उस सोतुड़ी से फोटो खिंचवाने में लगा है। अब तो तलवार के वार से इस तमाशे को डी एंड करना पड़ेगा। मैं आ गया बॉस। तो क्या नाचू? दोनों साथ में नाचते हैं, चलो मजा आएगा। जियो के बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मुझे सड़क से जो भी मिला सब उठा के ले आया। देखिए ये फ्राइंग पैन भी है। फ्राई पैन? चला इधर दे। लीजिए बॉस। मैं फ्राई पैन से इसका भेजा फ्राई करता हूँ। डिंग, ये फ्राई पैन। डिंग। ये जूता, ये चप्पल, ये लकड़ी का टी पैन, ये फ्रिज, ये छाता। डिंग, समझ में नहीं आता अब मैं इस बेवकूफ हमारा के बच्चे को कैसे रोकूं। इस टमाटर को बम की तरह फेंको। ये ले सारा टमाटर। डिंग डिंग डिंग। ये हमारा तो मेरी बैंड बजाकर रहेगा। ये सच है कि मुझे टमाटर पसंद है, लेकिन इतने भी पसंद नहीं कि उन्हें ऐसे खाऊं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारा? बचाओ, भूकंप आ गया। अरे बचाओ, बचाओ, मेरे कानपुर में हड़ताल हो जाएगी, भागे भागे। अरे बचाओ, अरे भूकंप आ गया, अरे कोई बचाओ। क्या हुआ थोड़ी? और मैं यहाँ बाहर कैसे आ गया? मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे शिंदो को चुप कराना होगा, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। चुप हो जाओ, मैं आ गया शिंजो। डिंग डिंग, शिंजो की वजह से ही मैं केनिची के लिए फोटो खींच पाया हूँ। वाह, इतनी अच्छी फोटो तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुमने हमारा से बिल्कुल सही कहा था कि तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, है ना हमारा? माफ करना, लेकिन पता नहीं कैसे फोटो लेते समय मेरी आंखों को अचानक बर्ड फ्लू हो गया, इसलिए मैं अपनी खींची हुई फोटो को ही देख नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। जरा फोटो देख कर बताओ ना ये कैसे खींची है। ये तो बहुत ही सुंदर है हमारा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। डिंग डिंग, जागते रहने की निंजा टेक्निक अपना कमाल दिखा दे। अभी मुझे एक और घंटे जागना होगा, तब जाकर मैं मॉर्निंग स्टार की फोटो ले पाऊंगा, जैसा कि केनिची ने मुझसे कहा था। दोस्ती में सब कुछ करना पड़ता है, लगता है इस बार मैं भी सो जाऊंगा। डिंग डिंग। चेरी फ्लावर का सुहाना मौसम। डिंग डिंग। अरे वाह, हर जगह चेरी के फूल ही फूल है। कितना सुंदर लग रहा है ना। कल संडे है तो क्यों ना हम पापा से कहें कि वो हमें चेरी ब्लॉसम का नजारा दिखाने ले चले। चेरी फ्लावर? लेकिन चेरी फ्लावर खाने की चीज नहीं है। हम अपने साथ खाना लेकर जाएंगे, उसमें तुम्हारा चॉकलेट रोल भी होगा। क्या, फिर तो चेरी फ्लावर और भी टेस्टी हो जाएगा। चेरी फ्लावर का नजारा देखना ले चलिए ना पापा। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। हम अपने साथ खाना भी ले चलेंगे, जूस भी ले चलेंगे, और पापा की किताबें भी। आइडिया बुरा नहीं है केनिची के पापा। लगता है आपको चेरी फ्लावर से ज्यादा अपने किताबों में इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर आपको फूलों से ज्यादा प्यारे राइस डंपलिंग? मुझे दोनों ही पसंद है। अब जाकर कल की पिकनिक की तैयारी करो। हाँ क्यों नहीं। तो फैसला हो गया, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। मजा आएगा, मजा आएगा। मम्मी कल खाने में कुछ बहुत अच्छा बना कर ले चलना। हाँ जरूर केनिची, मैं कल बहुत कुछ बना कर ले चलूंगी। चलो बच्चों, आप जल्दी से सो जाओ, बस ये प्रोग्राम खत्म होने ही वाला है। डिंग, ये क्या हो रहा है हथौड़ी? बाहर अचानक आंधी शुरू हो गई है। तो क्या चेरी के फूल उड़ जाएंगे? इतनी आंधी में तो एक भी फूल नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो। अब मौसम का हाल, आज आंधी का जोर बना रहेगा। ये खबर उन लोगों के लिए बुरी हो सकती है जो हाल ही में फूलों का नजारा देखने का प्लान बनाने वाले हैं। देखो ना ये क्या हो गया हथौड़ी, बाहर जाने का प्लान कैंसिल। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो रोना आ रहा है।
अब हम नजारा देखने नहीं जा पाएंगे। स्कूल ही नहीं होंगे तो क्या देखने जाएंगे? प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं होगा हथौड़ी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हथौड़ी तुम तो दोबारा फूलों की बारिश कर सकते हो ना। निंजा टेक्निक से कुछ ही चीजें की जा सकती है, ना कि हर चीज। लेकिन हमारे दादाजी तो फूलों की बारिश कर देते थे ना हथौड़ी। वो बच्चों की कहानी में करते थे, ना कि सच में। लेकिन हथौड़ी कोई जादू तो चलाओ ना, प्लीज प्लीज मान भी जाओ हथौड़ी। प्लीज मान जाइए ना। ठीक है केनिची, मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हम करेंगे। तो फिर चलो जहाँ फूलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। डिंग 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 डिंग। सबसे पहले मैं इन पेड़ों पर गम लगा देता हूँ, डिंग डिंग डिंग, ताकि फूल इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। डिंग 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 डिंग। जल्दी जल्दी गम लगाने की निंजा टेक्निक। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। हमने कितने सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। अरे ये फूल कहाँ उड़े जा रहे हैं? अभी कुछ तो करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। फूलों को इकट्ठा करने की निंजा टेक्निक। बच गए। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। फूलों का खूबसूरत नजारा तैयार हो जा। क्या बात है हथौड़ी उर्फ दादाजी? मैं दादाजी की जगह कभी नहीं ले सकता। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। चिपको चिपको चिपको, चिपक जाओ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, मुझे भी ये करना है। गिले 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 गिले। क्या हुआ शिंजो, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं यहाँ लटक गया हूँ। शिंजो, अब तुम यहाँ कल सुबह तक ऐसे ही लटके रहो। नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे उतार लो बल्ले भाई। पापा जल्दी उठ जाइए। आज संडे है केनिची, मुझे थोड़ा और सोने दो ना प्लीज। पर आपने तो हमें फ्लावर व्यू दिखाने का प्रॉमिस किया था। कल रात को आई आंधी के बाद सारे फूल उड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है पापा। आप पहले उठिए तो सही, जल्दी से। उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। चलिए पापा मम्मी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। बच्चों ने अपने पसंद का खाना बनवाया है, वहाँ खाना खा कर लौट आएंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अब चलो ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है केनिची, तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हाँ अब हमारी रात की मेहनत सफल जो होने वाली है हथौड़ी, चलो जल्दी। मैंने कहा था ना तूफान से सारे फूल उड़ गए होंगे। उस तरफ उस पेड़ पर देखो, देखो वहाँ बहुत सुंदर है। इतने तेज तूफान में भी इस पेड़ के फूल कैसे नहीं उड़े। यहाँ तो पहले से ही इतने सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन लोगों ने सबसे अच्छी जगह घेर ली है। कोई बात नहीं केनिची, ये देखो हमारी वजह से ये सब कितने खुश हैं। ठीक कह रहे हो। चेरी फ्लावर का मौसम सबसे बढ़िया मौसम है। चलो खाना शुरू करते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। खाना कितना टेस्टी है। वाह चॉकलेट रोल बहुत ही टेस्टी पापा, है। आपका जूस। थैंक्स मेरे बच्चों की मम्मी, कितना लाजवाब संडे है। बिल्कुल सही कहा। डिंग डिंग, शायद इसे ही कहते हैं फूल खिले हैं। गुलशन गुलशन, डिंग डिंग। मम्मी बनी राइडर, डिंग डिंग। सुबह की गुनगुनी धूप खिलते ही अरे वाह मम्मी, आप क्या लिख रही हैं? इस साल एक लेडी नॉवलिस्ट ने नॉवल राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले साल होने वाले नॉवल राइटिंग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी। लेकिन मम्मी क्या आप सच में नॉवल लिख सकती हैं? हाँ बिल्कुल, शायद तुम नहीं जानते कि अपने स्कूल के दिनों में मेरे लिखे ऐसे को हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकती हूँ। क्या? अच्छा तो मम्मी नॉवल लिख रही हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट पर लिख रही हैं? वो उसे सीक्रेट रखना चाहती हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, पता नहीं वो किस बारे में होगा। मम्मी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। कुछ धमाकेदार पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हम सबको मम्मी की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉवल पर पूरा ध्यान दे सकें। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
बिल्कुल तैयार हूँ पापा। कैनिची के पापा क्या कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही टाइम पास मतलब? मेरा मतलब है तुम घर के कामों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और आप खाना बनाने की चिंता छोड़ो और जाकर अपना नॉवेल लिखो। ओह शुक्रिया, तुम सब लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों नहीं रखेंगे मम्मी, आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट जो बनने वाली हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं 100% कोशिश करूंगी। ठीक है, शोर मत करो। सॉरी, मैं थक गई हूँ और कोशिश नहीं कर सकती। हाँ, मैं नहीं लिख सकती, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओ क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मम्मी को क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। ओ मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं? क्या नॉवेल लिखने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है? लेकिन राइटिंग के लिए ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती केनिची। तो क्या तुम मम्मी की मदद नहीं करोगे? कुछ तो करो हथौड़ी। डिंग, आखिर मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? नॉवेल लिखने की तो कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूँ जिससे राइटर के दिमाग में आइडिया डाला जा सकता है। अरे वाह, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, डिंग डिंग। अब हथौड़ी तुम? मम्मी, नॉवल लिखने के लिए आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। जो आप पहले से ही जानती हैं उस बारे में भी तो लिख सकती हैं। अब मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग में आइडिया डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी अब आप राइटिंग की दुनिया में खोने जा रही हैं, और मम्मी अब आपके दिमाग में आइडिया ही आइडिया होंगे। देखो आइडिया आने लगे हैं, अब आपका दिमाग आइडिया। शायद मुझे कुछ सोच रहा है। बहुत अच्छे, अब आप आराम से नॉवल लिख सकती हैं। हाँ सही कहा, मैं लिखने जा रही हूँ। प्लान कामयाब हो गया। हाँ लगता तो यही है। क्या लगता है मम्मी नॉवल लिख चुकी होंगी? हाँ कल रात भर उन्होंने नॉवल लिखी है पापा। ए, मम्मी आ गई। हाँ हो गया। मम्मी क्या तुम्हारा नॉवल पूरा हो गया? क्या बात है मम्मी, मुझे यकीन है कि आपने अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्यों ना तुम लोग इसे पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। लगता है मम्मी ने सचमुच कुछ कमाल का लिखा है, जरा पढ़कर तो सुनाओ केनिची। मित्सुबा फैमिली के सभी सदस्य बहुत हसमुख और दिलचस्प है। मैं अपनी कहानी की शुरुआत केनिची के पापा से करती हूँ। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट बॉक्स से टकरा गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस दिन के डिब्बे से माफी मांगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है पापा, तो छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा हथौड़ी ठीक कह रहा है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेरा बेटा केनिची सुबह देर से उठता है और फिर भागता हुआ स्कूल जाता है। अपनी क्लासमेट युमिको को बहुत पसंद करता है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। बाप रे, अगर किसी ने इसे पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा आगे पढ़ो ना। अच्छा ठीक है शिंजो। शिंजो एक नंबर का पेटू है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 कप आइसक्रीम खाई थी, जिससे वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये तो जीतेंगे, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है शिंजो। चलो आगे पढ़ता हूँ। और हमारा प्यारा डॉगी शिशिमानो, वो हाई वोल्टेज में खर्राटे मारता है। उसकी खर्राटों से हमारे घर का सामान ठीक वैसे ही हिलने लगता है जैसे भूकंप आने पर हिलता है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं होती। नहीं ये गलत है, मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ। तुम तो सोए रहते हो, तुम्हें अपने खर्राटों की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? वो तो मम्मी ने देखा, इसलिए उन्होंने अपने नॉवल में लिख दिया। पता नहीं मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है हथौड़ी। देखो मैं जानता हूँ, मम्मी ने मेरी तारीफ ही लिखी होगी, सिर्फ मेरी तारीफ। हो सकता है तुम सही हो, अभी पता चल जाएगा। हथौड़ी सच में एक होशियार और अच्छा लड़का है, लेकिन बिस्तर पर सुसु करने की उसकी आदत से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ओह नो, ये सब लिखकर तो मम्मी ने मुझे और परेशानी में डाल दिया, अब क्या होगा? लेकिन ये सब तो तुम्हारी निंजा टेक्निक की वजह से है ना? डिंग डिंग, शायद निंजा टेक्निक का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर है, पर फिर भी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नॉवल छप गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम क्या करें पापा? डिंग 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 डिंग। तो कैसी लगी मेरी नॉवल? वो असल में मैंने सोचा था कि... क्या सोचा था तुमने? अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि नॉवेल लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी।
बच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ मम्मी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, धीरे धीरे मैं लिखना सीख जाऊंगी। मम्मी, अगर आप ऐसे ही नॉवल लिखने की कोशिश करती रहेंगी तो एक दिन जरूर मशहूर नॉवलिस्ट हो जाएंगी। डिंग डिंग। केनिची चला हीरो बनने। डिंग डिंग। ओ युमिको चैन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम क्या कर रहे हो केनिची? मैं कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो, युमिको की फोटो है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है तुम युमिको को बहुत पसंद करते हो। वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है शिशि मानो। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? बात यह है कि हमसे छिपाना बेकार है। देखो देखो, शर्म से उसका चेहरा लाल लाल हो गया। अब बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना, मैं युमिको को पसंद नहीं करता तो नहीं करता। सच में? हाँ भाई हाँ। पर क्यों कहनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि वो प्यारी बनने का नाटक करती है, जबकि असल में वो अकल से पैदल अकड़ू और झगड़ालू है। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। पता नहीं उसका कहनी चाहिए घर पर है। लेकिन 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 क्या क्या बात है? लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। क्या कहा? मैंने नहीं है, उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है तुम प्याली होने का नाटक करती हो। और तुम अकल से पैदल हो, अकलू हो और झगड़ालू भी हो। क्या केनिची ने मेरे बारे में ऐसा कहा? ये तो हद हो गई। मैं यहाँ उसके साथ बैठकर होमवर्क करने के लिए आई थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो ठीक है, मैं भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाय से ज्यादा तो कितनी गर्म है। युमिको, कल तुम होमवर्क करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तो प्यारी बनने का नाटक करती हूँ ना। युमिको, सुनो तो। और बहुत झगड़ालू भी हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। पसंद नहीं करते ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? वो असल में well, actually, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो सुनो। अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम सच में मेरे लिए वैसा सोचते हो तो आज से और अभी से मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, समझ गए तुम? क्या बात है युमिको, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे अमारा, आ गए तुम? हाय। हाय अमारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे एक बार कह कर तो देखो, बात पूरी होने से पहले ही कर दूंगा। चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ युमिको। बाय केनिची। युमिको कैसा? केनिची कैसा रहा आज का दिन? तुम लोग हमेशा मेरे काम में अपनी टांग क्यों अड़ाते रहते हो? लेकिन हमने किया क्या है? नाटक करना बंद करो। तुम लोगों की वजह से अब युमिको मुझे पसंद नहीं करती है। तुम लोगों को किसने कहा कि अपनी अकल लड़ाओ? डिंग डिंग। पर केनिची ने खुद कहा था कि उसे पसंद नहीं करता है। असल में उसने कहा था कि वो उसे पसंद करता है। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी दोस्ती को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छी दोस्ती होती क्या है? मतलब हमने केनिची का दिल दुखाया। भले भाई अब हम क्या करें? डिंग डिंग। जल्दी जल्दी हमें बताओ ना। देखो मेरा कमाल, खुद को बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। लेकिन इससे होगा क्या? चोच बंद करके ध्यान से सुनो, मैं खुद को बैड बॉय बनाऊंगा, युमिको चैन को परेशान करूंगा, तुम अपना काम कर लेना। हाँ मैं समझ गया। और फिर केनिची एक फिल्मी हीरो की तरह आएगा और युमिको को आपसे बचा लेगा, है ना? अरे वाह, हमारा काम तो हो गया, अपनी तो निकल पड़ी है। केनिची बहुत बुरा लड़का है। ये लड़की हटो यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे झूला झूलना है इसलिए। मेरे बात झूल लेना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हें। मजा आ रहा है? लगता है वो कोई बदमाश लड़का है। हथौड़ी ऐसा भी कर सकता है? नीचे जल्दी जा कर उसे बचाओ, जल्दी जाओ। तुमने बचा लिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ युमिको, इसे अभी मजा चखाता हूँ। एक कड़के लड़के हट जाए यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार, जो अब युमिको को और परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे डरा रहा है। ओए मां, मैं तो डर गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो करके दिखाओ। डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। दीवार पर चलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया। अरे भले भाई आप यहां, तो वो कौन है? केनिची से टक्कर। ये ले ये ले।
ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कोई असली ही बदमाश लड़का है। मैं जाकर कहनी जी को बताता हूँ, रुको, छोड़ दो उसे। तू हट जा। हथौड़ी, तुम सच में मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? मुझे चोट लग जाएगी। ये क्या बड़बड़ा रहा है? हिम्मत है तो मुकाबला कर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आजा आजा। एक से भले दो। तो क्या हुआ, निकल गई हवा? चुप हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी दम बाकी है। ये ले, ये डिशम। किधर गया? ये फुटबॉल समझाए क्या? ये बाप रे, मामे शुक्रिया केनिची, मुझे लगता है मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। डिंग डिंग। हथौड़ी, तुम तो सच में ही मेरी धुलाई कर रहे थे। मेरे सर और कमर में चोट लग गई है, देखो। हाँ, वो असल में ही बदमाश लड़का था। वो बल्ले भाई नहीं थे, कोई और था। क्या? मतलब मैं सच में किसी बदमाश लड़के को धो रहा था? हाँ बिल्कुल सच कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो सच में मुझ में बहुत ताकत है, है ना हथौड़ी? चलो हथौड़ी, पंजा लड़ा कर देख लेते हैं। सॉरी, मुझे नहीं लड़ाना कोई पंजा वंजा। लगता है तुम मेरी ताकत से डर गए हो। कभी कभी जानबूझकर हार मान लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। शिशि मानू बन गया सर्कस का स्टार। डिंग डिंग। सर्कस में आपका स्वागत है। येलो टिकट। टिकट तो क्या, तुम फोकट में भी नहीं जा सकते। क्या, लेकिन क्यों? ये शक्ल से डॉगी दिखता है पर इसकी हरकतें डॉगी जैसी नहीं है। हाँ, हमने इसके लिए टिकट भी खरीदा है, आने दो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे अंदर नहीं जाने दे सकते। जाने दो ना अंकल, कहने जी कुछ कहो ना। क्या मुसीबत है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना तुम यही रहकर इंतजार करो। वाह वाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह। अरे वाह, कबड्डी कबड्डी अपनी तो निकल पड़ी। अगर मैं नीचे से नहीं तो ऊपर से तो अंदर जा ही सकता हूँ। अरे मैं डॉगी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी देखूंगा। वाह, ये रास्ता। मैं आ रहा हूँ सर्कस वाला। कबड्डी 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 कबड्डी, क्या बात है, यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। भाइयों बहनों और बच्चों, देखो हमारे हाथी का कमाल। वाह मजा आ गया, अपनी तो लाइफ बन गई। मर गया, अरे बचाओ सर्कस वाला। अरे वो डॉगी को देखो, गिरने वाला है। हाँ, ये डॉगी ऊपर कैसे लटक गया? वो डॉगी तो शिशिमानो है। लेकिन वो अंदर कैसे आया शिंजो? मैं तो सर्कस देखने आया हूँ, काम करने नहीं। बचाओ, ये डॉगी तो बड़ा सर्जिला है। बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ। उल्टा हो गया, अरे नहीं, बचाओ। नीचे गिर गया तो? रुक जाओ शिशिमानो। अरे कोई बचाओ। लगता है इसकी वजह से आज हमें इस सर्कस के मैनेजर से डांट पड़ने वाली है। सब तालियां बजा रहे हैं, यहाँ मेरी जान जा रही है। कहाँ गया? वो रहे दोनों। रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो हमें डांटने के लिए आ रहा है, चलो भाग निकलते हैं। चलो भागो। जरा रुको तो। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या वो डॉगी तुम्हारा है? गलती हो गई, माफ कर लीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, जरा वहाँ देखो। देता हूँ, रुको रुको। जी जी, अच्छा मैंने बहुत ही अच्छा किया ना, थैंक यू। वहाँ क्या हो रहा है अंकल? दरअसल हम लोग आपके डॉगी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। क्या शिशिमानो सर्कस का स्टार बन गया है? हाँ, सर्कस वालों ने उसे कल अपने यहाँ सर्कस दिखाने बुलाया है, अब वो एक जानी मानी हस्ती बन गया है। ओ, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर ये शिशिमानो स्टार कैसे बन सकता है? लगता है उस स्टार का गिटार बजाना ही पड़ेगा।
शिशिमानो की बारी है क्या? शिशिमानो अपनी निंजा टेक्निक लोगों को मत दिखाओ वरना लेने के देने पर जाएंगे। वेलकम वेलकम, एक स्टार डॉगी के खेल के मजे उठाइए। स्वागत है मैडम आपका, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नवाब के सामने आने वाला है हमारा नया चमकता सितारा, सबका प्यारा शिशिमानो। अरे हाय 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 हाय। बॉस वो तो फेमस हो गया, मैं कब फेमस होऊंगा? अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपना काम याद रखो। मैं समझ गया बॉस। बहुत ही अच्छा, देखिए अब देखिए मेरा कमाल, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बहुत अच्छे कबड्डी, ये देखिए देखिए मेरा उड़न खटोला, ये देखिए। बहुत उड़ रहे हो ना, अभी उतारता हूँ। ये देखिए एक हाथ पे, ये दो पैरों पे। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो गया? अरे अचानक उसे क्या हो गया, वो गिर रहा है। ये क्या हो गया? डिंग डिंग। अरे बचाओ, दिन में सारा दिख गए। भाई क्यों अपना कमाल दिखा दियो? ठीक है बॉस, इसे चोट तो नहीं लगी? नहीं, शिशिमानो के खाल और बाल दोनों बच गए। देखो मेरा कमाल, मेरे गले में है लाल रुमाल। वो देखो क्यों? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, स्टार मैं हूँ। शिशिमानो कंट्रोल, मुझे छोड़ दो। हथौड़ी उसे छोड़ दो। लोग मजा ले रहे हैं और तुम उनके मजे को किरकिरा नहीं कर सकते। लेकिन शिशिमानो का क्या? क्या बात है कियो, शाबाश। तुम भी उसकी तारीफ कर रही हो युमिको? मैं हूँ हीरो, शिशिमानो जीरो। मजा आ रहा है। वो चालाक कियो भी अब स्टार बन गया है, अब शिशिमानो का क्या होगा? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बचाओ बचाओ मुझे, हेल्प मी। रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम मेरे सर्कस में काम करना चाहोगे? बहुत मजा आएगा, तुम स्टार बन जाओगे। रुको, शुक्रिया शिशिमानो, तुम बच गए। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम लोगों से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिंग डिंग। केनिची बना तुर्रप सिंगर। डिंग डिंग। केनिची जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग। अरे केनिची जल्दी करो नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुँचोगे। क्या हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात? पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है, अगर मैंने आज गाना गाया तो युमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर है? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी है। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था मेरी तुम गा रहे हो या रो रहे हो? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं हथौड़ी, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची टेस्ट चाहे कोई भी हो उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी चाहिए। तुम ही गाना गाओ। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी अच्छे है। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची अंदर क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही जाओगे। बाबा रे क्या मुसीबत है, अब तो जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, क्या करूं क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। चलो मुझे नहीं जाना है, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा।
मल्लेवार मुझे कैनी जी की बात चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्ना सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। तुम कितना अच्छा बहुत अच्छा गाया। हमारा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया। पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज़ सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो कैनिची अब तुम्हारी बारी। यस मैम। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो कैनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं कैनिची, तुम मेरी स्टिक देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो कैनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा। ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, कैनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ ये क्या हो रहा है, पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया कैनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियाँ बहा दी कैनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है कैनिची। तो बच्चों तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मैम। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। डिंग डिंग, मैं आ गया। आज बहुत खुश लग रही है। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज़ में नामी गायकों की आवाज़ की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ मैं। खाना बनाने इसलिए मैं तो जा रही हूँ, और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। हमें अपने गानों में रुई डाल लेनी चाहिए, पर जो भी हो कैनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कानपुर में हड़ताल हो गई। डिंग डिंग। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा, चलो शुरू करते हैं। ता थाई तत तत ता थाई तत तत। जब से सर्दियां शुरू हुई हैं कैनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही, देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन कैनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सही कहा आपने, कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लगी? हाँ,
चाची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है, मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको सच्ची, बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं, तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। नैनीची संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह कैनिची तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? वहाँ तो कोई एलियन नहीं है कैनिची। अच्छा शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या, तुम्हें तो 104 बुखार है, शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? कैनिची तुम बीमार हो। नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई कैनिची। बॉस गरमा गरम न्यूज़ है। क्या कहा सच में कैनिची? हाँ एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये लो ये लो युमिको। अच्छा तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ, अपनी जीभ बाहर निकालो। ये देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है, अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ मुझे। इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर रुक जाओ, तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। अरे युमिको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा तो मैंने ठीक सुना था, आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है, मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा, बचाओ। तो वो हमारा की करतूत थी? वो नकली डॉक्टर चला गया, अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं नहीं इलाज करूंगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूंगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ कैनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, याद रखो ये गलत बात है। डॉक्टर वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे
ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया अब? पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा, असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं निकलता हूँ। मैं भी निकलता हूँ। जिंगी नहीं नहीं, तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं, मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे, अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। कैंची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंगिंग डिंगिंग डिंग, तुम सच में डर गए थे ना कैनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। तोड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा कैनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग, लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया, चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। लेकिन कैनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूँगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानो मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो मेरा वार। नहीं, 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 नहीं। पंगा लेने की कोशिश मत करो, मेरे पास से दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा तो ये बात है, ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी, चलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ के दिखाओ। रुक जाओ शिशि। बहुत डरो। डिंग, ये बढ़िया मौका है। तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम है, लो संभालो इन्हें। दोस्तों मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ, ये देखो। हाँ? ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सब का बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी, जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग डिंग डिंग, इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो कैनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर कैनिची बन जाता हूँ। अरे वाह, एकदम कैनिची लग रहे। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। मम्मी पापा आ गए। कैनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं, असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज, बल्ले भाई अमीला बल्ले भाई कैनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है, ये सिर्फ कैनिची की नहीं बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ, समझ गया।
ये मैं कहाँ फंस गया? ओह नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुंच सकता है? आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानु। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ क्या होगा मेरे लिए। अरे वाह, देखो मिला गिफ्ट। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? ये यो-यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा, मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। क्या मुसीबत है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। केनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोल कर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, कोई मुझे मेंढक से बचाओ, मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। हम जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे खिंचाव कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग।